हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मैंगो सूजी का हलवा, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंगो सूजी हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा मैंगो लिया है, जिसके पीस काट लिए हैं। एक कप से थोड़ा कम दूध लिया है, आधी कटोरी सूजी ली है, आधी कटोरी चीनी, कुछ ड्राई फ्रूट रोल। अब सबसे पहले हम इस मैंगो को मिक्सर जार में डालेंगे और इसकी प्योरी बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी मैंगो प्योरी बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने कढ़ाई रख दी है। अब इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच घी। घी हमारा मेल्ट हो गया। अब इसमें डालेंगे सूजी और इसे हमें भून लेना है 4 से 5 मिनट तक। बहुत ज़्यादा इसे हमें नहीं भूनना है, इतना भूनना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो इसे हमें लो फ्लेम पे चलाते हुए भूनना है। लो फ्लेम पे भूनने से क्या होगा कि हलवे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे भूनते हुए हमें अभी 2 मिनट हुए हैं और इसका कलर चेंज होने लगा है। तो देखिए फ्रेंड्स, सूजी को भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं और एकदम अच्छे से भुन गई है। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। अब इसमें हम डालेंगे ये दूध। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है और इसे चलाते रहना है। वापस से थोड़ा दूध डालेंगे और फिर चलाएंगे। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे और बचा हुआ दूध फिर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, इसे हमें चलाते रहना है। चीनी भी हमारी मेल्ट हो गई है। देखिए, हलवा गाढ़ा होने लगा है। देखिए, अब अच्छे से गाढ़ा हो गया। अब इसमें हम डालेंगे ये मैंगो प्योरी और इसे भी चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है। देखिए, मैंगो को हमने सूजी में अच्छे से मिला लिया है और देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब इसमें हम 2 चम्मच घी और डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो एक साथ ही घी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से डालने से क्या हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है। तो देखिए, कढ़ाई छोड़ने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने ड्राई फ्रूट काट के डाल रखे थे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें फ्रेंड्स 1 चम्मच घी और डालेंगे और गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हलवा हमारा बनके रेडी हो गया है। अब मैं इसे निकाल के आप लोग को दिखाती हूँ प्लेट में। देखिए फ्रेंड्स, हलवा बनके तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने छोड़ दिए थे, वो डाल देंगे। तो ये हमारा परफेक्ट मैंगो सूजी हलवा बनके तैयार हो गया है। देखिए कितना अच्छा देखने में लग रहा है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो मेक श्योर मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।